हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है क्लास टू, क्लास वन हो चुकी है जिसमें 5 क्वेश्चंस हुए थे और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बैंक के पीओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो आइए चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ आर इज इक्वल टू, रेट है पर एनम 10%, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, फिर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, थर्ड ईयर का भी गिवन है, आप जान जाओ। देखो यहाँ पे 3 साल दिया, अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे वो 2 साल के लिए किए थे। देन कैलकुलेट प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड ईयर सीआई एंड थर्ड ईयर सीआई। तो आइए करते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। तरीका सेम है, सबसे पहले देखिए 10% गिवन है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 1/10। अब यहाँ 3 इयर्स दिया हुआ है तो मतलब इस वाले का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। 10 का क्यूब मतलब 1000 और 3 इयर्स है तो मतलब 3 टाइम्स ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे लिखे 1/10, यहाँ पे लिखे 1/10, यहाँ पे लिखे 1/10। अब 10 से डिवाइड करेंगे इसको क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, अब जब सेकेंड ईयर पे हम आएंगे दोबारा से तो हमें फर्स्ट ईयर का क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर का हमको मिलेगा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो इसको 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। इसके बाद थर्ड ईयर वाले पे आ जाइए, थर्ड ईयर वाले में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का ही हमको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस 100 का करेंगे तो 10। ठीक है, फिर इस 100 का मिलेगा हमको 10 और इस 10 का, इस 10 का हमको मिलेगा 1। 100 upon 10, 10 upon 10, 10 upon 10, 1। ठीक है, इससे पहले ये 3 इंटरेस्ट थे थर्ड ईयर का निकालने के लिए। अब आप देखो ये वाला हमारा टोटल है कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए, थर्ड ईयर के। ये वाला है हमारा सेकेंड ईयर के लिए और ये वाला है हमारा फर्स्ट ईयर के लिए। अब ये जो ऊपर की लाइन है ये वाली, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्योंकि आप ट्रिक सीख रहे हो यहाँ पे, आपको तरीका लंबा वाला नहीं सीखना है जिससे आप बस करते चले जाओ, एक क्वेश्चन आधे घंटे में करके आओगे, ये नहीं करना है। 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम समझा रहे, करने में इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब बोला क्या गया है, अच्छा हाँ, ये वाला अमाउंट आपका कौन सा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, दिया क्या हुआ है, वैल्यू किसकी दी हुई, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट की, और थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ये है मतलब 100 और 21, 121 की वैल्यू हमारी है थर्ड ईयर का ना, तो थर्ड ईयर का तो 100, 10, 10 और ये हो गया तो 100 हो गया, 30 कितना हो गया, 100 में अगर 21 ऐड करेंगे तो 121 हो गया। तो 121 की वैल्यू गिवन है 662। तो एक मिनट, अगर इसको हम वैल्यू ले लें इसकी, 121 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो 363 ले लेते हैं, तो 363 लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 363। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट गलत लिख दिया हमने, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 363। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, बन रहा है 121। तो 121 की वैल्यू, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज में दिया हुआ है 363, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 363 डिवाइडेड बाई 121। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 121 को, तो आपको 363 मिल जाएगा, मतलब 3 टाइम्स जाएगा। अब 3 मिल गया, अब हमें पता है कि प्रिंसिपल हमारा 1000 है, तो प्रिंसिपल 1000 है, इसमें 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब 3 से, तो क्या मिल गया, 3000। आगे सब में रुपीज जरूर लगा दीजिए, जब ये जो वैल्यू मिल रही है रुपीज में मिल रही है। इसके बाद पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस,
तो निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। पहले तो सिंपल इंटरेस्ट तो 100, 100, 100, 300 है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं, पहला तो क्या था 121 प्लस ये कितना है 300 और 300 के बाद 31 ना। आप अगर पूरी वैल्यूज जोड़िए इसको इस पूरे को इस पूरे को तो 300 और 31 तो 331 माइनस सिंपल इंटरेस्ट की ऊपर वाली लाइन 100 100 100 300 तो कितना मिल गया हमको 31। ठीक है, तो अब इसमें 31 में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 रुपीज 96 हमको मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। अब पूछा क्या है डिफरेंस बिटवीन सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकेंड डिफरेंस सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 121 माइनस सेकेंड ईयर का क्या है 110। ठीक है, तो क्या आ गया 121 में 110 माइनस कर दीजिए तो हमको मिल गया 11 आ गया। अब इस 11 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 यूनिट की वैल्यू से तो हमें मिल गया रुपीज 33। तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना मिल गया उनका बीच का डिफरेंस कितना है रुपीज 33। यही तीन चीज पूछी गई थी, प्रिंसिपल पूछा गया था प्रिंसिपल निकाल दिया, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था रुपीज 96 निकाल दिया, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट तो रुपीज 33 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसको फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ आर इज इक्वल टू रेट से शुरू होता है, अगर टाइम 3 इयर्स दिया है मतलब 3 वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5, 20/100 1/5। ठीक है, अब इसका अगर 3 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा 125। अब 3 ऐसे बना लो 1/5 1/5 1/5 तो यहाँ क्या मिल जाएगा 25 25 25। अब यहाँ पे पहले वाले का भी 1/5 मिलेगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो हो जाएगा 5, यहाँ पे इन दोनों का मिलेगा तो 5/5 और इस वाले 5 का अब 5/5 करोगे तो क्या मिलेगा 1। थर्ड ईयर में इसका इंटरेस्ट 5, इसका इंटरेस्ट 5, 5 से डिवाइड करोगे इसका इंटरेस्ट 1। ठीक है, तो अब ये मिल गया आपको थर्ड ईयर का, ये किसका मिला थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का। अब ये जो पहली वाली लाइन है ये सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, अब देखिए गिवन क्या है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 420। तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, अच्छा इस डिफरेंस का मतलब होता है सेकेंड, मतलब इस वाले साइन का मतलब होता है कि जो बड़ा वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू माइनस कर दीजिए। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं है कि माइनस में लिख देंगे आप। ठीक है, अब देखिए थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की बात की गई तो 25 5 30 35 और 1 36। ठीक है, तो 36 माइनस और ये है 30, तो ये है क्या सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस, मतलब थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर माइनस करिए, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर माइनस करिए, इस साइन का मतलब यही होता है। ठीक है, माइनस का साइन नहीं आएगा, थर्ड ईयर सी आई। जब आप माइनस करोगे 36 में 30 जो भी बड़ा होगा उससे छोटा वाला माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी है रुपीज 420। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी रुपीज में,
70. 6 से जब 420 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 70. तो आप मतलब समझ रहे हो कि जैसे क्वेश्चन में ये रुपीज में दिया हुआ है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये कितने की वैल्यू है. तो एक्चुअली ये 6 की वैल्यू 420 है. तो फिर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे. अब हमें जो भी चीज निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है. 125 क्या है आपका? प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 125 में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, क्या आ जाएगा? 35, 7 × 14, 15 × 16 = 17, 7 × 7 = 60 और 1 = 8, क्या आ गया? ₹8750. फिर पूछा है डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई. तो पहले हमें पता होना चाहिए सी आई और एस आई का डिफरेंस है क्या. तो देखिए ये था हमारा कितना, 25 25 25 50 और 75, 75 और 5 80 और 90 और 91. ठीक है, 91 है सी आई और 75 है एस आई, 25 25 25. तो अब इसको माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 91 में 75 माइनस करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 16 आ गया. अब 16 में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 70 है. तो 6 × 7 = 42, 2 × 4 = 7 × 7, 8 × 9 = 10, 8 × 9 = 10, 11. ठीक है, तो आपको मिल गया ₹11120. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया. आपने प्रिंसिपल भी निकाल लिया, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7. ये दोनों ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, दोनों ही 3 इयर्स के लिए था. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें 3 इयर्स नहीं गिवन होगा. तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8. सबसे पहले यहाँ टाइम देखिए कितना दिया हुआ है, 9 months. और यहाँ क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. ठीक है, क्वार्टरली दिया गया है. तो रेट में जो भी रेट आपका दिया गया है उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 से. तो क्या निकल आया? 5%. ठीक है, तो अब ये जो 5% है ये हो गया आपका क्वार्टरली. अब इसके बाद टाइम पे आ जाइए. टाइम क्या होता है, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 4 क्वार्टर माने जाते हैं. 12 महीने मतलब 4 क्वार्टर. तो एक क्वार्टर कितने का हुआ? 3 महीने का. तो 9 months का मतलब क्या हुआ? 3 3 3, मतलब 3 क्वार्टर की बात करी गई. तो टाइम हो गया 3, आर हो गया 5. फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए 5% को, तो 1/20 आ गया. ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना. 1/20 आ गया. टाइम क्या, ये क्या दिया हुआ है? 3. तो केवल 3 को देखिए, 20 का क्यूब मतलब 8000. ठीक है, इस 3 का मतलब है ये 3 बार ऐसे हो गया. 1/20 1/20 1/20 डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा? 400 400 400. फिर सेकेंड ईयर में इस वाले का भी मिलेगा, तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा. और इस वाले में इन तीनों पे इंटरेस्ट लगेगा, तो मतलब 20 20, और इस 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1. ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया. अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, और क्या गिवन है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 183. ठीक है, तो 183 दिया हुआ है. और कैलकुलेट क्या करना है? प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो कोई एक ही, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट पहले हम निकालते हैं कितना होगा. तो 400 800 4 4 8 4 12 12 के बाद 1200, उसके बाद फिर 20 40 60 और 61, तो 1261. ठीक है, तो 1261 तो हो गया हमारा
कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 1200, 400 और 400, ठीक है। तो ये कर दिया, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 61 मिल गया। अब इस 61 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 183, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 61 से डिवाइड कर दीजिए इस वैल्यू को, तो मेरे ख्याल से 3 टाइम्स जाएगा, तो रुपीस में आ गया 1 यूनिट की वैल्यू 3। अब पूछा क्या है, देन कैलकुलेट प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल आपको पता है कितना है, 8000, तो प्रिंसिपल आपका क्या हो गया 8000 इंटू 3, तो निकल आया 24000। और किसमें निकल आया, किसमें निकल आया, रुपीस में निकल आया, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि ये जो 6620 दिया हुआ था, इसकी इसका कोई भी मतलब नहीं था क्वेश्चन में, इसका कुछ भी मतलब नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इससे हम निकाल के देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट 6620 दिया हुआ है और टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 1261, क्या इससे निकलेगी वैल्यू, ये आप लोग करके देखना कि इससे वैल्यू आपकी निकलती है कि नहीं। ये तो हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन में बिल्कुल फालतू में गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर ये आ जाएगा, तो फटाफट इसको करिए, इसके बाद क्वेश्चन आगे और भी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब ध्यान से देखिए, टाइम दिया है 1.5 इयर्स, रेट दिया है 20% पर एनम, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब एक साल में कितनी हाफ ईयरली होती है, दो, छमाही कितनी होती है, दो एक साल में होती है, ठीक है। जैसे क्वार्टरली था तो उसमें चार होती थी, तीन तीन महीने की, हाफ ईयरली मतलब छः छः महीने की दो, तो डेढ़ साल है। डेढ़ साल का मतलब कितनी, एक साल में दो और फिर आधा साल, आधे साल में एक और, तो टी हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और आर क्या हो जाएगा हमारा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ से इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा आर, 10%, तो 10% का मतलब फ्रैक्शन में 1/10। अब हमें इसी को लेकर सॉल्व करना, टाइम 3 है तो इसका क्यूब कर दीजिए, तो 10 का क्यूब हो गया 1000, ये अमाउंट हो गया आपका प्रिंसिपल, यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको 1/10, 1/10, 1/10 डिवाइड करिए 100 100 100, फिर इस पे 1/10, यहाँ सेकंड ईयर में इसका मिलेगा 1/10, इसको करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 10, थर्ड ईयर वाले में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इन ये तीन पे मिलेगा इंटरेस्ट, तो तीनों को 10 से डिवाइड करिए, 10 10 1, सब कुछ मिल गया आपको। अब हमें करना गिवन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है 331 की वैल्यू गिवन है रुपीज 6620, क्या गिवन है रुपीज 6620, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड करिए 331 से इसको, तो 2 जा जाएगा 20 आ गया, ठीक है। तो क्या मिल गया, 1 यूनिट की वैल्यू रुपीज 20, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 1000 में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल गया 20000, ये तो आपको प्रिंसिपल मिल गया रुपीज में। और क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो 331 तो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको 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 ऐड कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और इस पहली वाली लाइन को ऐड कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो आपका आ गया 31। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 31। 31 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 20 का 1 यूनिट की वैल्यू से, ठीक है, तो 620 रुपीज, क्या मिल गया 620 रुपीज। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आप यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन की ट्रिक्स सीख रहे हो, इस और इस ट्रिक को करने में 30 सेकंड से ज्यादा
नहीं लगेंगे। यहाँ पे आप लोगों को समझाते हैं, इसलिए आराम से करके दिखाते हैं कि किस तरीके से होगा, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद जब आप करने लग जाओगे तो आपको 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।